वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ चल रही है, उस स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ के अंदर आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है हमारा जेब्लॉन्स्की डायग्राम। अब पहले तो ये पूछा जाएगा कि मैम ये जेब्लॉन्स्की आपने क्यों लिखा, है ना, कि सिलेबस के अकॉर्डिंग किसके अंदर है। तो जैसा कि हमें पता है कि हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, ठीक है, एटॉमिक हम पढ़ चुके थे, इसके बाद जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो हमारी मॉलिक्यूलर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर की अगर अब हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर के अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखोगे तो एक टॉपिक का नाम गिवन है, वो गिवन है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रा, अब एमिशन स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करते हैं तो एमिशन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ रेडिएशंस हमारी एमिट होती हैं, उस एमिशन रेडिएशंस की ही स्टडी हमें करनी है यहाँ पे, ठीक है। अब एमिशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हमें इसके थ्रू पढ़ना है। तो यही एमिशन स्पेक्ट्रा को बहुत अच्छे से कौन एक्सप्लेन करता है, हमारा जेब्लॉन्स्की डायग्राम एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो जेब्लॉन्स्की को साथ ही साथ हम एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर पढ़ेंगे रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, ठीक है, रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। अब रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव प्रोसेस क्या होती है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, हमारा जेब्लॉन्स्की को पढ़ना है, ठीक है। जेब्लॉन्स्की को पढ़ने से पहले, ठीक है, हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ टर्म्स होती है हमारे पास, एक होती है सिंगलेट और एक होती है हमारे पास ट्रिपलेट, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, देखो पीछे लिख देते हैं इसको, व्हेन अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी देन इट गोज टू एक्साइटेड स्टेट, इट गोज टू एक्साइटेड स्टेट देन इट एमिट energy, the emission may be radiative or non-radiative. emission जो हो सकता है वो radiative या non-radiative form के अंदर हमारा हो सकता है. the complete और ये जो इस प्रोसेस को है, इस पूरी प्रोसेस को हम बता सकते हैं हमारे जेब्लॉन्स्की डायग्राम के थ्रू। बोला क्या हमने कि जब हमारा सपोज ये हमारे पास लेवल्स होते हैं, ठीक है, 1 2, मैंने ये बोला मेरा एक इलेक्ट्रॉन इस लेवल के अंदर प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सपोज तुमने कुछ एनर्जी दी और ये एनर्जी देते ही क्या हुआ है, एनर्जी देते ही ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा हायर स्टेट के अंदर चला गया। पर ये थी हमारी ग्राउंड स्टेट सपोज एंड ये थी हमारी एक्साइटेड स्टेट। तो जो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे पहुँच चुका है अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर, ये क्या चाहेगा, वापस से रिटर्न करना चाहेगा। अब रिटर्न करने के लिए इसको क्या चाहिए, वापस से कुछ ना कुछ, यहाँ पे जब ये आएगा नीचे तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, करेगा ना। तो भाई एनर्जी जब ये रिलीज करता है तो कुछ रेडिएशंस की फॉर्म में होती है और कुछ नॉन रेडिएटिव फॉर्म के अंदर हमारी एनर्जी को ये रिलीज करता है। उसी एनर्जी के बारे में हमें डिटेलिंग स्टडी जो है इसकी करनी है, ठीक है।
अब देखो, इसके लिए ही तो मैंने कहा कि सबसे पहले हमें सिंगलेट और ट्रिपलेट के बारे में पता होना चाहिए। सिंगलेट का मतलब ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो, या ये मान लो कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, पेयर्ड का मतलब क्या है कि हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है, 2s+1। अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे, इसी से हम सिंगलेट और ट्रिपलेट निकालते हैं, एस को निकालो, ठीक है, एस की क्या वैल्यू आएगी हमें, 1/2+1/2। अगर पेयर्ड फॉर्म के अंदर है तो 1/2+1/2 इज इक्वल्स टू कितना देगा हमें, सॉरी 1/2-1/2, 1 मिनट, ठीक है, 1/2 - 1/2 तो कितना देगा ये हमें, 0, क्योंकि हमें पता है कि दोनों क्या है, पेयर फॉर्म के अंदर, और जो पेयर फॉर्म में है तो दोनों का जो स्पिन है वो क्या हो जाएगा, नलीफाइड हो जाएगा, और नलीफाइड होते ही एस की कंडीशन क्या आ जाएगी, 0। तो अब इसको इसमें पुट कर दो तो 2 × 0+1 = 1। अब ये जो 1 आता है इसी वजह से इसको क्या बोलोगे, सिंगलेट बोलोगे। इधर बात करो तो इधर हम बोलते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अनपेयर्ड फॉर्म के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आ रहा है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अंदर जब हम बात करोगे तो हम ये बोलते हैं कि इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है, स्पिन मतलब सेम हो जाए, या ये भी बोल सकते हो कि स्पिन सेम। अब स्पिन सेम का मतलब है कि जो एस आएगा वो 1/2+1/2 आएगा, कितना आ जाएगा, 1। अब निकाल दो स्पिन मल्टीप्लिसिटी से, 2+1 = कितना आएगा हमारा, 3 आ जाएगा। इसी 3 की वजह से ये क्या आ गई हमारी, ट्रिपलेट स्टेट आ गई। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि मैम सिंगलेट और ट्रिपलेट के अंदर दो कंडीशंस हैं हमारी, कि हमारा इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर स्पिन सेम है तो हमारा ट्रिपलेट आएगा, और डिफरेंट स्पिन्स की आ रही है हमारी अगर पेयर फॉर्म में है तो हमारी सिंगलेट कंडीशन यहाँ पे अराइज होती है। अब मैं अगर ये बात बोलूं कि मैम हमारे पास तो ये इतना नहीं है भाई, अब हमें क्या करना है, देखो हमें डायग्राम को ड्रॉ करना है, ठीक है, जेब्लॉन्स्की को समझने के लिए। जब जेब्लॉन्स्की को हम समझने की कोशिश करें तो देखो हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक मिनट, इन लाइंस को थोड़ा और प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ये बात बोली कि हमारा ये क्या है, S0 है, ये S1 स्टेट है, ये हमारी S2 स्टेट है, और ये हमारी S3 है, ये हमारा T1 T2 और ये हमारा T3। ठीक है, सिंगलेट की जो एनर्जी होती है ट्रिपलेट से वो हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर हम बात करोगे ट्रिपलेट की, तो ट्रिपलेट की एनर्जी जो होती है वो सिंगलेट से कम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी ध्यान देनी है कि सिंगलेट की एनर्जी कम है, सॉरी सिंगलेट की एनर्जी ज़्यादा है इस कम्पेयर टू ट्रिपलेट, इसीलिए जब डायग्राम बनाओगे तो ट्रिपलेट की एनर्जी को हमेशा कम फॉर्म के अंदर दिखाओगे। ठीक है, अब हमने ये बोला कि इसके पास S0 स्टेट है। हाँ, दूसरी बात ये कि मैम आपने S0 ही क्यों लिया, आपने T0 क्यों नहीं लिया, वो इसीलिए कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना वो हमेशा प्रेजेंट होता है हमारे ग्राउंड स्टेट के अंदर। अब जब ग्राउंड स्टेट के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो हमेशा जो है वो अलग मल्टीप्लिसिटी के हमें दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है कि उनकी मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो जब भी हम एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन बनाते हैं तो एक की स्पिन नीचे दिखाते हैं, एक की ऊपर दिखाते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, एंटी पैरेलल फॉर्म के अंदर दिखाते हैं। ठीक है, अब हमने ये बोला कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो है इससे एक्साइट होके कहाँ गया हमारा, सिंगलेट के अंदर। ठीक है, कहाँ गया हमारा, सिंगलेट में। तो पहले तो कुछ ना कुछ क्या होगी हमारी एनर्जी, यहाँ पे इसने, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने क्या करा, अपनी एनर्जी ली,
यहाँ तक जाएगा, हो सकता है S2 तक भी चला जाए और हो सकता है अपना S3 तक भी चला जाए, ठीक है। अब जब ये अपना S3 तक जाएगा तो ये देखो यहाँ पे ये जो बनाता है ये एब्जॉर्प्शन की कंडीशन आ जाएगी। ये आ गई हमारी एब्जॉर्प्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन ने क्या करा है, अपने एब्जॉर्प्शन किया है, तो यहाँ पे भी इसकी स्टेट्स जो रहेंगी वो सेम रहेंगी। अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन की, तो अगर सपोज़ ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ बोली, और नहीं समझ में आए तो दोनों से लिख लो। आगे यहाँ तक बात समझ में कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो था वो इस तरीके से S0, S1, S2, S3 के अंदर चला गया। अब बात करते हैं हमारी ट्रिपलेट की। तो देखो एक्चुअली होता यूँ है कि जब हम हमारे वो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करते हैं, तो हमें ये पता है कि सिंगलेट है, सिंगलेट का ये जो एस नॉट है ये तो क्या है, हमारी ग्राउंड स्टेट है। एस वन जो हो जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट कहलाती है, एस टू सेकेंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। जैसे कि हम अलग अलग एनर्जी लेवल्स नहीं बनाते, बस वैसे के वैसे हमने इनको बोला है कि फर्स्ट हो गई ये, सेकेंड हो गई ये, हमारी थर्ड हो गई। उसके बाद आती है हमारी ट्रिपलेट की बारी। ट्रिपलेट में देखो क्या हुआ है कि जब तुमने ट्रिपलेट को बोला तो जनरली तो क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन होके ये अपनी एनर्जी यहाँ पे दी है। ट्रिपलेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने ये बोले कि दोनों की मल्टीप्लिसिटी क्या रहनी है, सेम रहनी है। अब देखो अब हमारा इलेक्ट्रॉन मैं सपोज करूँ S3 स्टेट के ऊपर तो पहुँच गया ना S3 स्टेट के तक, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। S3 स्टेट में हमने ये बोला कि एब्जॉर्प्शन होके इलेक्ट्रॉन चला गया, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन ये बोलता है कि वापस से वो अपनी लोअर एक्साइटेड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। भाई ये इसकी लोअर ग्राउंड स्टेट थी, ग्राउंड स्टेट से ये इसने क्या करा, अपनी एक्साइटेड स्टेट में क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से चला गया। अब मैं बोल रही हूँ कि इसको वापस क्या करना है, अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर आना है। जब ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। अब एनर्जी की फॉर्म में तो देखो दो तरीके से हो सकते हैं कि ये जो हमारा S3 है, ये जो S3 है यहाँ से ये क्या हो, T3 के अंदर चला जाए, ठीक है। दूसरी बात, हायर में नहीं जा सकते क्योंकि एमिशन हो रहा है, तो T3 तक ही हमारा ये आएगा। S2 हो रहा है, S2 से T2 और ये S1 से T1 यहाँ तक ये अपना आ जाएगा। तो जब ये अपना S3 से T3 तक आता है, क्या बोला हमने, S3 से T3, देखो ये सेम होने चाहिए, एक्साइटेड स्टेट सेम होनी चाहिए, सिर्फ डिफरेंस कितना है कि अपनी स्पिन के अंदर चेंज कर रहा है, यहाँ सिंगलेट था यहाँ ट्रिपलेट था, लेकिन ये देखो एक्साइटेड स्टेट सेम आ रही है ना। ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट थी, यहाँ पे भी ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट आ रही है, ठीक है। अब हम बात करें तो इसको टर्म क्या देते हैं, हम इसको टर्म देते हैं ISC। ISC की फुल फॉर्म होती है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का मतलब ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आ रहा है, मतलब इंटरचेंज हो रहा है, सिंगलेट से ट्रिपलेट में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, अगर ये सेम एनर्जी लेवल के अंदर आना चाहे, सपोज़ ये S3 से S2 के अंदर ही आना चाहे अपने सिंगलेट के अंदर, तो आ सकता है ना। इस फॉर्मूले के बोलते हैं हम IC, IC की फुल फॉर्म होती है इंटरनल कन्वर्जन, ठीक है। इस तरीके से ये आ सकती है, चार प्रोसेस होती है, देखो रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव, चार तरह की प्रोसेस, दो मतलब दोनों को मिला के दो दो प्रोसेस होती हैं। अब मैंने बोला कि सपोज़ ये यहाँ तक तो आ गया IC, T3 से भी आएगा तो भी ये प्रोसेस IC कहलाएगी। इंटरनल क्यों बोला, क्योंकि एक ही अपनी स्टेट के अंदर चेंज आ रहा है, सिंगलेट से सिंगलेट ही आ रहा है, तो सिंगलेट से सिंगलेट आएगा तो IC, सिंगलेट से ट्रिपलेट आएगा तो ISC। अब हम बात करें कि हमारा S1 और T1 दोनों जगह तक ये पहुंच चुका है। जैसे ही ये हमारा S1 और T1 तक आ चुका है, अब क्या करेगा, अब इसको चाहिए कि मैं अपनी फाइनल ग्राउंड स्टेट तक आ सकूं, यहाँ तक आ सकूं,
और इन दोनों में जब ये आता है तो अलग अलग फिनोमिनन होते हैं। T1 से S0 आता है तो यहाँ पे फॉस्फोरेंस होता है, क्या होगा हमारा, फॉस्फोरेंस, ठीक है। और अगर ये S1 से S0 आता है तो यहाँ होता है हमारा फ्लोरोसेंस। ठीक है, ये था हमारा जेब्लॉन्स्की डायग्राम, या हम जिसको बोल सकते हैं हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलोगे इसको, एमिशन स्पेक्ट्रा, क्योंकि हमें क्या पढ़नी है, एमिशन की कहानियां पढ़ती है। देखो ये समझ में आ गया, तो अब हम हमारे इसके पार्ट के ऊपर चलते हैं कि बेसिकली एमिशन में हमें पढ़ना क्या था। ये तो जेब्लॉन्स्की था, इसने ये बोला, अब इसी जेब्लॉन्स्की से हमें एमिशन स्पेक्ट्रा की डिटेल मिली, है ना। तो देखो क्या था हमारा, एमिशन स्पेक्ट्रा ने बोला कि जब हमारे इस तरीके से होता है तो दो प्रोसेस होती है हमारी एमिशन के टाइम पे, एक रेडिएटिव होती है और एक हमारी नॉन रेडिएटिव होती है। नॉन रेडिएटिव अगर प्रोसेस की बात करें तो दो प्रोसेस बताई इन्होंने हमें। नॉन रेडिएटिव के अंदर हमारा आईसी होता है और आईएससी होता है, ठीक है। ये दोनों ही प्रोसेसेस हमारी किसके अंदर आती है, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के अंदर। आईसी और सेकंड आईएससी, मतलब इन दोनों ही प्रोसेस में हमारी किसी भी तरीके की रेडिएशंस जो है वो एमिट नहीं होती। रेडिएटिव का मतलब है कि रेडिएशंस एमिशन, रेडिएशन एमिट करना। नॉन रेडिएटिव का मतलब है किसी भी प्रकार की रेडिएशंस को एमिट नहीं करता है, रेडिएशंस डू नॉट एमिट, ठीक है। रेडिएशंस जो है वो हमारी एमिट नहीं होती है इस तरीके से। तो रेडिएटिव के अंदर जो प्रोसेस आई वो कौन सी आई हमारी, फॉस्फोरेसेंस, और दूसरी आई हमारी फ्लोरोसेंस। तो ये दो प्रोसेसेस हमारी रेडिएटिव के अंदर आई और ये वाली हमारी नॉन रेडिएटिव के अंदर आई। सिलेबस के अकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें पूरा का पूरा एमिशन स्पेक्ट्रा भी दे रखा है कि हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, उसमें रेडिएटिव नॉन रेडिएटिव इंटरनल कन्वर्जन बताना है। तो इंटरनल कन्वर्जन तो क्या था हमारा, आईसी था। अभी बताया मैंने कि हमारा अगर सिंगलेट से सिंगलेट स्टेट में आ रहा, अपनी खुद की स्टेट के अंदर ट्रैवल कर रहा है, मतलब फर्स्ट सिंगलेट स्टेट, थर्ड सिंगलेट स्टेट से जो है वो अपनी सेकंड सिंगलेट तक आ रहा है, सेकंड से अपनी फर्स्ट में आ रहा है, फर्स्ट से अपनी ग्राउंड स्टेट में जाने के लिए वो फिर रेडिएशंस को एमिट करता है, ठीक है। तो यही बस हमारा पूरा का पूरा हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा कहलाता है। बाकी इसको और वैसे थ्योरी के हिसाब से भी लिख देते हैं कि हमारा क्या है। तो देखो थ्योरी क्या कहती है कि आईसी जो है हमारी, आईसी की बात करोगे तो कहाँ से हो रही है हमारी, कि भाई S3 से S2 आ गई या T3 से T2 आ गई, एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारा चलता रहेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं हमारी, तो इनमें देखो इनमें केवल और केवल क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट का मतलब ये है कि एनर्जी तो निकलेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो तो हमारी एमिट करेगी ही करेगी। आईएससी की बात करोगे तो S3 से T3 चल जाओ, S2 से T2 चल जाओ, ठीक है। इसमें भी केवल और केवल क्या जनरेट होगा हमारा, हीट जनरेट होगी, एनर्जी कुछ ना कुछ रिलीज करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी फॉस्फोरेसेंस, ठीक है, फॉस्फोरेसेंस में क्या होगा कि हमारा जो T1 स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन आया है वो अपनी S0 तक जाए। अब यहाँ पे देखो ग्राउंड स्टेट, क्योंकि S0 से डिनोट कर रहे थे इसीलिए हमने क्या बोला है S0, और T1 को हमारी ट्रिपलेट स्टेट हो जाएगी, फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के नाम से ये हमारी जानी जाएगी। लिख देते हैं फर्स्ट
ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। एस नॉट क्या है हमारी ग्राउंड स्टेट, ठीक है। इस टाइम के ऊपर एनर्जी तो रिलीज होगी होगी, लेकिन विथ रेडिएशंस होगी, कुछ ना कुछ रेडिएशंस ये क्या करेगा, एमिट करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस में क्या होगा हमारा, हमने बोला एस वन से एस जीरो आएगा, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, एनर्जी विथ रेडिएशन, कुछ ना कुछ हीट तो निकलेगी, लेकिन साथ ही साथ हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ रेडिएशंस भी एमिट होगी। तो इस तरीके से हमारे ये चारों फिनोमिनन होते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो पढ़ने के लिए कि क्या है हमारा। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम इसकी थोड़ी सी थ्योरीज की बात कर ले, तो हमने ये बोला कि मैम अगर हम थ्योरीज बोले तो क्या क्या हो सकती है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये है कि S1, S2, S3 एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारा Sn तक जा सकती है, जिनको हम क्या नाम से देंगे, फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, S1 हो जाएगी, S2 हो जाएगी सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S3 हो जाएगी हमारी थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। इसी तरीके से हमारा T1, T2, T3 एंड सो ऑन हो सकता है। तो T1 को डिनोट कर सकते हो हम फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये तो कुछ हमारी बस छोटी मोटी सी डिटेलिंग थी। इसके बाद हम हमारा पढ़ते हैं, ठीक है, इंटरनल कन्वर्जन, रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस के बारे में हम डिटेलिंग लिख लेते हैं हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस की अगर हम बात करते हैं, तो देखो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस कौन से होते थे, हमने आईसी और आईएससी बताया, अब इनकी भी हम थोड़ी सी डिटेलिंग लिख लेते हैं। ठीक है, इट ओनली इन्वॉल्व्स एमिशन ऑफ हीट। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की हमारी आईसी की। तो आईसी के अंदर हम क्या बोलेंगे कि आईसी में हमारा क्या हो रहा है, इन दिस प्रोसेस एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी का लॉस होता है हमारे इन द फॉर्म ऑफ हीट के अंदर। ठीक है, एंड इट इन्वॉल्व्स ट्रांजिशन फ्रॉम, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, हम क्या पढ़ रहे हैं इंटरनल कन्वर्जन, तो S3 से S2 भी पॉसिबल है, S2 से S1 भी पॉसिबल है, बट S1 से S0 इसके अंदर पॉसिबल नहीं होगा, केवल और केवल जो है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट तक ही आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, देन हम बात करें कि कितने और, साथ ही साथ T3 से T2 भी हम बोलेंगे, T2 से T1 भी बोलेंगे। ठीक है, इट अकर्स ओनली फॉर, अगर टाइमिंग की बात करोगे तो ये अकर होती है 10^-11 सेकेंड के लिए, बस इतना ही कंटेंट हमें इसके लिए नीड होता है कि हमें कितने टाइम के लिए हो रही है। इट अकर्स फॉर 10^-11 सेकेंड, ठीक है, 10^-11 सेकेंड के लिए ये अकर होती है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारी, तो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेकंड आईएससी। ठीक है, पहले नॉन रेडिएटिव की बात कर रहे हैं, तो आईएससी की बात कर लेते हैं। अब आईएससी में क्या था,
आईएससी भी जो होती है, आईएससी के अंदर भी जो ट्रांजिशन थे वो हमारे थे S3 से T3, ठीक है, S2 से T2, S1 से T1 एंड सो ऑन, जितना भी है. तो इसके अंदर भी जो है केवल और केवल हमारी क्या होती है, दीज ट्रांजिशंस के अंदर भी जो है हमारा क्या होता है, केवल एमिशन ऑफ हीट. एमिशन ऑफ हीट. अब अगर बात करो तो बोथ दीज ट्रांजिशंस, बोथ दीज ट्रांजिशंस आर फॉरबिडन. ऊपर के जो दोनों ट्रांजिशंस हैं ना वो फॉरबिडन होते हैं. द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट क्यों होते हैं. देखो आईसी और आईएससी दोनों के अंदर पहली बात ये क्यों है, क्योंकि देखो सिंगलेट से ट्रिपलेट आ रहा है, अपनी स्पिन को चेंज कर रहा है, जो कि सिमेट्रिकली फॉरबिडन हो जाएगा. क्वांटमिनली भी फॉरबिडन है, साथ ही साथ हमारा सिमेट्रिकली भी फॉरबिडन है. इसी के साथ अगर हम बात करेंगे हमारे किसकी, S3 से S2 में आने की, आईसी की, तो आईसी के अंदर भी अगर तुम सपोज करो कि तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हमने ये डायग्राम बोला, मैंने ये बोला कि एक इलेक्ट्रॉन अपने इस स्टेट में ही गए, जरूरी नहीं है ना कि वो वापस अपनी उसी फॉर्म के अंदर आना चाहेगा. सपोज कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है ठीक है, हमने ये बोला कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन था वो सपोज S0 स्टेट से S1 में गया, यहाँ ये जो था ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे, या चलो ठीक है अपोजिट डायरेक्शन में थे क्योंकि स्टेबल है. एक से गया ये अपना इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, उसने अपनी स्पिन जो भी रखी चेंज करी नहीं करी वो उसके हाथ में, लेकिन वो गया अपनी सिंगलेट स्टेट के अंदर. वापस आएगा तो क्या पता वो स्पिन चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है. तो इसी वजह से हम ये बोलते हैं कि हमारी ये जो दोनों ट्रांजिशन से है ये हमारे फॉरबिडन कहलाते हैं, ठीक है. अब हम बात करेंगे हमारी किसकी, रेडिएटिव ट्रांजिशंस की. अब रेडिएटिव ट्रांजिशन में कौन कौन से दो फिनोमिनल थे हमारे, पहला हम बात करते हैं हमारे फॉस्फोरेसेंस की. ठीक है, देखो फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है हमारा, इफ द एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स आर डीएक्टिवेटेड एंड द फ्लोरोसेंस स्टॉप्स द फिनोमिनल इज द एमिशन ट्रांजिशन. कहाँ से कहाँ होता है, सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं T1 से जो है वो S0 तक होता है हमारा ट्रांजिशन की अगर हम बात करें. ठीक है, ट्रांजिशन की अगर हमने बात कर ली, साथ ही साथ इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारी एक स्लो प्रोसेस है. कैसी है ये हमारी, स्लो प्रोसेस है. अब अगर ये हमारी स्लो प्रोसेस है एमिशन ऑफ लाइट फॉर सम टाइम, कट ऑफ देयर इज एमिशन ऑफ, स्लो प्रोसेस है, साथ ही साथ क्या होता है कि व्हेन लाइट इज ऑफ देन आल्सो इट एमिट सम लाइट. सपोज हमने लाइट को ऑफ कर दिया, ठीक है, मतलब जो हमारी इंसिडेंट लाइट थी हमने उसको अब हटा दिया है, तो किसी भी तरीके का एमिशन नहीं दिखना चाहिए था. लेकिन अगर हमने ये बोला कि जब भी, तो उसके बाद भी हमें कुछ लाइट यहाँ पे दिखती है, और इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, हमारा फॉस्फोरोसेंस बोलते हैं. ठीक है, और जो फॉस्फोरोसेंस वर्ड है derived from Greek word. कहाँ से मिला हमें, ग्रीक वर्ड से मिला. टाइम की बात करोगे तो 10 की पावर 3 सेकेंड तक जो है ये हमारा
टाइमिंग के पीरियड के हिसाब से रहता है। तो फॉस्फोरस थोड़ा सा हमारा कम टाइम के लिए भी रहता है, ठीक है, कम टाइम के लिए मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हमने यही बोला है कि लाइट इंसिडेंट होती है तो इट एमिट सम लाइट, तो लाइट को कुछ क्या करता है, ये एमिट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे फ्लोरोसेंस की। अब जब हम फ्लोरोसेंस की बात करते हैं तो फ्लोरोसेंस में जो है देखो एमिशन कहाँ से कहाँ होता है हमारा फ्लोरोसेंस के अंदर, S1 से S0, ठीक है, ट्रांजिशन जो हो रहा है वो हो रहा है हमारा S1 से S0 हो रहा है। ये जो है ये हमारा अलाउड ट्रांजिशन होता है फॉर 10^-8 सेकेंड्स के लिए। कब तक रहता है हमारा ये 10^-8 सेकेंड तक ये हमारा रहता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है इसका, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब जो रेडिएशंस निकलेगी वो इंसिडेंट रेडिएशंस के इक्वल रहेंगी। अगर हमारी ये कंडीशन इक्वल हो जाती है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वेवलेंथ है, ठीक है, और हमारी इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है, इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो इस फिनोमिनन को हम रेजोनेंस फ्लोरोसेंस कहते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको? रेजोनेंस फ्लोरोसेंस बोलेंगे। अब हमारा कुछ ये आता है कि हमारा ये बोला जाता है कि कुछ क्वेंचिंग और कुछ इस तरीके के वर्ड्स इसके अंदर आते हैं हमारे फ्लोरोसेंस के अंदर, ठीक है। देखो क्वेंचिंग मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को स्टॉप करना, ठीक है। क्वेंचिंग का बेसिक मतलब क्या रहेगा हमारा? स्टॉप। अब तुम किसी भी चीज को स्टॉप करते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम वो प्रोसेस को क्या कर रहे हो? स्टॉप कर रहे हो। अब उस स्टॉप के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे फिनोमिनन्स होते हैं, ठीक है। मैं देखो इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। इफ द एक्साइटेड मॉलिक्यूल आर डीएक्टिवेटेड एंड द फ्लोरोसेंस स्टॉप, इफ द एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स आर डीएक्टिवेटेड देन द फ्लोरोसेंस स्टॉप। क्या बोला है कि अगर डीएक्टिवेशन हो जाए, एक्साइट हो चुका है मॉलिक्यूल लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, उसका डीएक्टिवेशन हो रहा है, एक्टिवेट नहीं रहा है, तो हमारा फ्लोरोसेंस स्टॉप हो जाता है। और इसी फिनोमिनन को, दिस फिनोमिनन इज नोन एज क्वेंचिंग। इसी को हम क्वेंचिंग कहते हैं। अब हुआ कैसे, देखो हमें ये पता है कि सपोज मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, उसको मैंने एच न्यू डाला। हम ये बताते हैं कि ये अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंच चुका है, और जब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर हम ए स्टार से मार्क करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये जो है ये हमारा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि अगर एक्साइटेड स्टेट में जाके मॉलिक्यूल हमारा डीएक्टिवेट हो जाए, मतलब उसके ऊपर एनर्जी का किसी भी तरीके से कोई नहीं हो रहा, मतलब एक्साइटेड स्टेट में जाके कि भाई अब वो जो है वो अपना ग्राउंड स्टेट में वापस नहीं आना चाहता है, वहाँ पे ही वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, ऐसी कंडीशन के अंदर फ्लोरोसेंस तो स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरोसेंस का फिनोमिनन ही आता कि भाई उसको तो S1 से S0 आना है तभी तो चलेगा। लेकिन मॉलिक्यूल ही अगर डीएक्टिवेट हो गया अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर, उसमें एक्टिवेशन ही नहीं रहा, कि अपने मतलब एक्टिवेशन का मतलब है कि फर्दर वो क्या बनाए, अपना प्रोडक्ट बनाए।
अब वो अगर प्रोडक्ट बनाने की स्टेट में नहीं है, देखो क्यों हम एक्साइटेशन करवाते हैं, ताकि हमारे मॉलिक्यूल्स जो है वो अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके, कुछ नए तरीके के प्रोडक्ट बना सके। इसीलिए तो हम रिएक्टेंट के ऊपर एनर्जी डालते हैं और उससे वेरियस वेरियस प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन अगर हमारा मॉलिक्यूल डीएक्टिवेट हो गया, वो अब प्रोडक्ट बनाने की कंडीशन में ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में फिर हमारा फ्लोरोसेंस नहीं होगा। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, क्वेंचिंग बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ इसके अंदर हमारा आता है कि इंटरनल क्वेंचिंग एंड एक्सटर्नल क्वेंचिंग। ठीक है, अगर हम बात करें, एक मिनट, ऐसे लिखते थे हम, इंटरनल क्वेंचिंग और एक्सटर्नल क्वेंचिंग। ठीक है, एक्सटर्नल में क्या होता है, देखो एक्सटर्नल में हम बाहर से क्या करते हैं, कुछ क्वेंचर्स को लेकर आते हैं। मतलब एक्सटर्नल में क्या होता है, वी एड सम स्पीशीज और क्वेंचर्स और क्वेंचर्स विच स्टॉप द फिनोमिनन ऑफ फ्लोरोसेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा फ्लोरोसेंस कहते हैं। मतलब हमने कुछ ऐसी स्पीशीज बाहर से ऐड कर दी, जैसे हम ये नहीं बोलते कि एक के ऊपर कभी हम कैटलिस्ट यूज़ कर लेते हैं या कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना हमारी रिएक्शंस को कंप्लीट करवाने के लिए, तो इसी तरीके से हम बाहर से भी कुछ हमारा यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो बाहर से अगर हमने कोई भी ऐसी स्पीशी डाल दी जो रिएक्शन को रोकने का काम कर रही है, फ्लोरोसेंस को स्टॉप कर रही है, ऐसों को हम एक्सटर्नल क्वेंचर्स कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वो क्या काम करेगा, अपनी जो एनर्जी है वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा। सपोज़ देखो हुआ यूँ कि अगर अपन बात करें, मेरे पास एक ए मॉलिक्यूल था, ठीक है, मैंने उसके ऊपर एच न्यू डाला, मॉलिक्यूल अपना एक्टिवेटेड हो गया। अब इस एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल को मैंने किसी बी के साथ कराया रिएक्ट, जो कि हमारा क्वेंचर था। अब यहाँ पे ये क्या काम करता है क्वेंचर, कि जो ए एक्टिवेट हुआ था उसको एक्टिवेट ना करके खुद क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाएगा। तो एनर्जी क्या करी हमारी, ए से बी ट्रांसफ़र कर गई, तो जब मॉलिक्यूल क्या हो गया, अब हमारा डीएक्टिवेट हो गया। हमने तो यही करना है ना, मॉलिक्यूल को कैसे भी करके हमें डीएक्टिवेट की कंडीशन के अंदर लेकर आना है। अब बात करते हैं अब हमारी इंटरनल कन्वर्जन की। ठीक है, तो देखो इंटरनली क्या होता है कि अगर कोई भी चेंज आए हमारे मॉलिक्यूल जो है वो चेंज इन सिंगलेट स्टेट टू ट्रिपलेट स्टेट। चेंज का मतलब है कि देखो अभी हमने कहा कि मॉलिक्यूल सिंगलेट से ट्रिपलेट भी आ सकता है, अगर वो जब सिंगलेट से ट्रिपलेट के अंदर आ रहा है और कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, तो उस चेंज के दौरान भी मॉलिक्यूल क्या करता है, हमारा स्टॉप करने की कंडीशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, तो चेंज इन दी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ड्यूरिंग सिंगलेट स्टेट टू ट्रिपलेट स्टेट, मतलब जब वो सिंगलेट से ट्रिपलेट आने की कोशिश करता है तो हमारा कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल क्वेंचिंग। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा बेसिक जो हमारा जेब्लॉन्स्की डायग्राम था, उसके साथ साथ हमने एमिशन स्पेक्ट्रा भी पढ़ लिया, और उस एमिशन में हमने रेडिएटिव नॉन रेडिएटिव की बात करी। रेडिएटिव में हमने बात की फॉस्फोरोसेंस और फ्लोरोसेंस, उसके भी कुछ फिनोमिनल बात करे जैसे क्वेंचिंग वगैरह। ठीक है, टाइमिंग भी बात करी कि कितनी देर के लिए कौन सा रहता है, साथ में अगर हम लाइट हटा देंगे, साथ ही साथ अगर हम देखो साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ फ्लोरोसेंस की, तो जैसे ही तुम इंसिडेंट लाइट हटाओगे, इंसिडेंट लाइट रिमूव, फिनोमिनन
ऑल्सो स्टॉक्स। तो जैसे ही हमने वहाँ पे क्या बोल रहे थे फॉस्फोरोसेंस में कि अगर इंसिडेंट लाइट रहती है तब तक भी वो हमारा एमिशन देता है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही तुम हटा दोगे तो वो बंद हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की चर्चाएँ जो कि हमने एमिशन स्पेक्ट्रा को पढ़ा है। इतना काफ़ी है डिटेलिंग लेके आने के लिए। सबसे मेन है हमारा डायग्राम। अगर डायग्राम आता है तो